यो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू द चैनल। तो एनिमेशन मोड्स, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए चुन चुन के लाया हूँ एनिमेशन के मोड्स जो काफी ज्यादा तगड़े हैं। डाउनलोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड करना मत भूलना। और सारे मोड्स पॉकेटेशन में भी आराम से चल जाएंगे, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी लेट्स गो। वैसे तो ये गेम बच्चे और बूढ़े कोई भी खेल सकते हैं, बट ये वाला मॉड इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको ब्लड के इफेक्ट भी मिलेंगे। लाइक ये क्रीपर, अगर मैं इसे मारता हूँ तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जरा इसकी मुंडी देखो, क्या ही अलग पड़ी हुई है। और ये रहा उसका भाई, जरा इसे भी मार के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, एकदम पुर्जे पुर्जे निकल गए यार इसके। और ऐसा ही ज़ॉम्बी के साथ भी है, अगर मैं इसे मारूं, वेट ओके मार के अभी दिखाता हूं। अरे मर जा। ओके तो आप देख सकते हो यहां पे आपको थोड़े बहुत ब्लड के इफेक्ट भी मिल जाते हैं, और मुंडी तो इसकी उधर पड़ी ही है। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो स्केलेटन को मारने के बाद मिलता है। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। ये देखो यार, बिल्कुल खिलौने की तरह टूट गया। और ये रहा इसका मुंडी। और अभी टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। बहुत सारे मॉब मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया है, और अब ये मैं TNT ब्लास्ट करता हूँ। और वो भाई, क्या ही खतरनाक हो गया यहाँ पे धमाका। और स्मार्ट की वजह से देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे ब्लड फैल गया है, और साथ में ज़ॉम्बीज और क्रीपर के टुकड़े पड़े हैं यहाँ पे। नंबर 5, तो इस वाले मोड का नाम है बैक टूल्स। और इस वाले मोड में आपको काफी अच्छा एनिमेशन मिलता है, बिकॉज इसमें आप जब भी कोई आइटम अपने इन्वेंट्री में रखते हो तो वो आपके कैरेक्टर के बैक पे आ जाएगी, या फिर लेफ्ट या राइट साइड पे आ जाएगी। लाइक अगर मैं सिकल को अपने इन्वेंट्री में रखूँ तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे आ जाता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर मैं सारे ही आइटम्स अपने इन्वेंट्री में रख लेता हूँ तो ये सारे मेरे पीछे अगल बगल अटैच हो जाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। और मान लो आपके पास कोई बैनर है और उसे आप इन्वेंटरी में रखते हो, तो आपके सर पे बिल्कुल पेल्जस के बैनर की तरह लग जाएगा। और लास्ट में एक ट्रायरेंट बचता है, उससे भी लगा के देखते हैं कैसा लगता है। ओ भाई, क्या ही सही लग रहा है, शील्ड के ऊपर ट्रायरेंट देखने में काफी कूल लग रहा है। तो काफी अच्छा मॉड है, जो गेम में काफी अच्छा एनिमेशन ला देता है, और ये देखने में रियलिस्टिक भी लगता है। नंबर 4, तो ये वाला मॉड आपने मेरे काफी सारे वीडियो में देखा होगा, और इसका नाम है फ्रेश एनिमेशन। इस मॉड में आपको सारे ही मॉब्स के ना एकदम मस्त वाले एनिमेशन मिलते हैं। लाइक इस शीप को ही देख लो, क्या ही मस्त ठुमक ठुमक के चल रही है। या फिर इस काउ के चलने का एनिमेशन देख लो आप, कितना सही लग रहा है ना। और अगर मैं आप इस पिक को एक बार मारता हूँ तो आप इसके भागने के एनिमेशन देखो, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और इसी के साथ ये बिल्कुल वनीला फीलिंग को भी रहने देता है गेम में। और अभी मैं अगर आपको इस वेंडिगेटर को दिखाऊं, तो जरा आप इसे देखना, ये मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। और इसका एनिमेशन देखो, बिल्कुल जो माइनक्राफ्ट का ट्रेलर होता है ना, उस तरह लग रहा है। और अगर आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखोगे तो वो भी कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है, और वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और सबसे प्यारे तो मुझे ये विल्जर लगते हैं, अगर मैं इसे मारूं तो इसका भागने का एनिमेशन देखो, क्या मस्त लग रहा है, बिल्कुल बाउंसिंग बॉल की तरह भाग रहा है। एक विल्जर इधर भी है, इसे भी मार के दिखाता हूँ। ये तो आप देख ही सकते हो, भागते वक्त इनकी नाके भी हिलती रहती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा फनी लगता है यार। एक और मॉब की मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेवेजर, और इसके भागने के एनिमेशन देखो। ओ भाई, गया ये रेवेजर काम से। मैं भी इसी मॉड को अपने वीडियो में यूज करता हूँ, जिससे माइनक्राफ्ट में एक अलग ही फीलिंग आती है, तो आप भी यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। नंबर 3, तो ये है अभी तक का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एनिमेशन वाला मॉड, जिसमें आपको सारे मॉब से लेके रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग सारे एनिमेशन मिलते हैं। और जैसा आप अभी देख पा रहे होगे, हाथ में सॉर्ड लेके भाग रहा हूँ, तो इसका स्विंग देख लो, कितना सही लग रहा है। और इसके कूल इफेक्ट, क्या कहने उसके। और इस स्पाइडर के तो क्या ही कहने, देखने में कुछ ज्यादा ही क्रीपी लगती है। और अब इनके चलने का एनिमेशन भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा रियल हो चुका है, और क्रीपी तो ये पहले भी थी, और अब तो और ज्यादा ही क्रीपी हो गई है। रात में अगर ये सामने आए तो मैं डर के भाग जाऊंगा। और ज़ॉम्बी के तो क्या ही कहने, सीधे मूवी वाले ज़ॉम्बी के एनिमेशन को इस गेम में डाल दिया। तो जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि ज़ॉम्बी थोड़ा झुक के चलते हैं, वैसा सेम आपको इस मॉड में मिलता है। और इसका फॉलिंग एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, और ये है इस मोड का फ्लाइंग का एनिमेशन। और अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ता है, मतलब आयरन मैन के फ्लाइंग एनिमेशन इस मोड में डाल दिया है, जो देखने में सही लगता है यार। तो जैसा मैंने कहा था, इसमें आपको सारे मॉब्स के प्लेयर के काफी अच्छे अच्छे एनिमेशन मिलते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक वाले, तो आप इस मोड को यूज कर सकते हो। नंबर 2, तो इस वाले मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरी तरह से निंजा वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि आप देख ही सकते हो, ये क्राउच का एनिमेशन बिल्कुल निंजा की तरह है। या फिर ये पंचिंग के एनिमेशन देख लो, किसी बॉक्सर के फाइटिंग की एनिमेशन डाल दिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलता है सारे के अलग अलग एनिमेशन, लाइक इस एक्स का ही देख लो, क्या ही मस्त जंप करके मारता है। या फिर हाथ में आप दो शॉट पकड़ लेते हो, फिर देखो क्या ही मस्त स्विंग कर करके मारता है यार। मतलब इस मॉड के एनिमेशन में क्या इसकी तारीफ करूं,
यहाँ पे आप क्रॉसबो के भी एनिमेशन देखोगे तो भी किसी और गेम के उठा के डाल दिए। अगर आप एम करते हो तो आपके स्क्रीन का FOV लेफ्ट साइड चला जाता है। और हाँ, इसमें आपको मिलते बहुत सारे वेपन्स लाइक कटाना, सॉर्ड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब इस पंचिंग के एनिमेशन को देखो, मैं भी स्क्रीपर को मारो और भाई देख रहे हो एक साथ 50-10 मुक्के लगातार। इतने में तेरा क्रीपर का मुंह टूट जाए, अभी आप मेरे और एंडरमैन के बीच के फाइट का मजा लो। एंडरमैन भी बिल्कुल कुंफू फाइटर बन, और मैं अभी एक बॉक्सर बन चुका। तो बस आप ये फाइट देखो और बताना मजा आया या नहीं। और ये लो, खत्म हो गया। बड़ा आया था मुझसे फाइट करने, बॉक्सिंग चैंपियन हूँ मैं। चलो मैं आपको एक और फाइट दिखाता हूँ। इस बार है एक साइड गोलेम और दूसरे साइड है वेंडिकेटर। आयरन गोलेम ने मारा है काफी खतरनाक, वेंडिकेटर काफी ज्यादा दूर फेंका गया। बट ये क्या हुआ यार, आयरन गोलेम मारा गया। काफी तगड़ा बैटल था, देख के मजा आ गया। तो गाइस, मैंने कहा था ना इसमें को काफी सारे वेपन्स मिलते हैं और काफी तगड़ी वाली एनिमेशन मिलती है। सो इसीलिए इस मॉड का भी नाम है एपिक फाइट मॉड। जिस मॉड में ये पिक लगाओ वो तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक होगा। नंबर वन, तो आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा जो डेजर्ट वाला एरिया होता है उधर आपको ये घूमते हुए ये लकड़ी के कुछ तो दिखते होंगे जिसका नाम है टम्बल वुड। तो इस एनिमेशन मॉड को इंस्टॉल करने के बाद ये आपको गेम में भी देखने को मिलेंगे, वो भी डेजर्ट साइड पे। और सबसे पहली बात तो ये पूरी तरह से गोल है और गोल चीजें माइनक्राफ्ट में मिलना काफी मुश्किल है। और दूसरी चीज, ये बाउंस भी काफी अच्छे तरीके से करते हैं और ऐसी भी चीजें आपको माइनक्राफ्ट में तो नहीं मिलने वाली बिना मॉड के। तो आप इसको देख सकते हो, देखने में थोड़ा डेजर्ट वाले साइड की फील को काफी अच्छा कर देता है। और अगर आप इसे टच करते हो तो इसमें आपको कोई भी रैंडम सी चीजें मिल सकती है, लाइक मुझे अभी गोल्डन के नगेट मिले हैं जो सही है यार, फ्री का सामान है, क्या ही जाता है। जो डेजर्ट विलेज में रहता है उसे क्या पता कुछ खतरनाक वाली चीज मिल जाए, लाइक नेदरराइट के आर्मर या फिर नेदरराइट भी, नो वन नोज। तो था ना काफी मस्त सा मोड। तो फाइनली यार, यही थे हमारे आज के सारे मोड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें से आप कोई भी अगर एनिमेशन मोड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और डाउनलोड करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे अभी और भी OP वीडियो आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब। तो चलो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।